अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना, मेरे सिक्योरिटी जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। सिंगर बना दिया है कौम ने, उनका एक गाना भी आज हिट हुआ है, क्या है वो गाना? साहिल पे खड़े को तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा। सिंगर बना दिया है। बाबर, आज के मैच को कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहाँ देख रहे हैं, उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो ये आपने सुने, ये जो मीम्स हैं और ये मीम वॉर एक तरीके से शुरू हो गई है, और इसको लीड पता है आपको कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहे हैं हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स, जिसमें सबसे आगे नाम है वीरेंद्र सहवाग का, और एक के बाद एक वीरेंद्र सहवाग के ये ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने ये ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जिंदा भाग। अब जिंदाबाद को उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, उन्होंने जिंदा भाग कर दिया, बाय बाय पाकिस्तान, जो कि एक ऑलरेडी एडिटेड वर्जन उसको उन्होंने ऐसे करा, और जिस एक और लाइन उन्होंने लिख दी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जिस भी टीम को सपोर्ट करती है वही टीम पता नहीं क्यों टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, वही टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो ये सारी बातें वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट पर लिखी, और इससे हुआ ये कि जितने भी पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो एक तरीके से भारत के समर्थन में आ गए, जो कि ये आप देख रहे हैं, और इनको सबको रीट्वीट किया है वीरेंद्र सहवाग ने। उन्होंने लिखा है कि आई विल सपोर्ट इंडिया इन द सेमीज। वो इसलिए क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने ये लिखा कि जिस भी टीम को पाकिस्तान सपोर्ट करती है वो टीम पाकिस्तान की तरह खेलने लग जाती है, और इसने पाकिस्तान के लोगों को भी इंडिया का फैन बना दिया। भाई सलाम है वीरेंद्र सहवाग आपको, लेकिन साथ ही साथ देखिए उनमें एक चीज तो है कि जिस तरीके से ये बात उन्होंने लिखी है, बहुत से मीम्स हैं पाकिस्तान से भी, वो उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग में वो क्षमता है कि मजाक सहने की भी, मजाक करने के बाद, और उसी तरीके से वो जवाब भी दे रहे हैं कि यार वसीम अकरम के बाद ये ट्वीट किया गया था कि उन्होंने उसके बाद भी वो मजे ले रहे हैं, उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं सके, लेकिन वहां पर फिर एक व्यक्ति ने ट्वीट करके बताया कि देखिए 91 प्लस की एवरेज है वीरेंद्र सहवाग की उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ। तो वीरेंद्र सहवाग मजे ले रहे हैं कि यार 200 की तो होनी चाहिए थी, लेकिन तब भी और अब भी इनसे मजे लेने में बहुत मजा आता है। अब ये एक साहब है जो इस ट्वीट को वीरेंद्र सहवाग के डिस्गस्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन उसी के बाद दूसरे एक ट्वीट में वही साहब जो है वो अफगानिस्तान के बाहर होने पर जिस कदर उन्होंने ट्वीट किया है वो आप जरूर देखिएगा, और ये वो ट्वीट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वसीम अकरम वाले के बाद तो हमारी 200 की औसत होनी चाहिए थी बल्लेबाजी में, 91 थोड़ी कम है मेरे लिहाज से, वीरेंद्र सहवाग ने यह कहा है, और साथ ही साथ एक ज्ञान भी दे दिया। देखो क्रिटिसिज्म जो है ना इस दुनिया में वो तो भगवान राम का भी हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। तो लेकिन वीरेंद्र सहवाग के इस मीम फेस्ट ने, ये जो मजे लेने की उनकी आदत है, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर वो छा चुके हैं, उससे हुआ ये है कि उनके जितने भी पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं अब वो भारत के सपोर्टर्स बन गए हैं, और सेमीफाइनल में जैसा कि आप देख रहे हैं, आई विल बी सपोर्टिंग इंडिया इन द सेमीज। चलिए भैया देखते हैं, भारत पे असर नहीं करेगा, भारत के पास एक सुरक्षा कवच है भाई पाकिस्तानियों, वहां पर वो असर नहीं करता है। ये देखिए सेमीफाइनल में हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, जब से वीरेंद्र सहवाग ने ये ट्वीट किया है। लेकिन ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है जो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, ये एक और खिलाड़ी है जिन्होंने इस तरीके से पूरी तरीके से
ओन करके रखा हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, और उनका नाम है माइकल वॉन, द ग्रेट माइकल वॉन। और आप देखिए कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ मोहम्मद हफीज से लड़ाई के बाद, एक तरीके से लड़ाई नहीं, वो मजे ही लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग माइकल वॉन से वाकिफ नहीं है। भैया ये किंग ऑफ ट्रोल्स है, इनको जरूरत नहीं पड़ती है। वसीम जाफर के साथ हमने देखा है, और आप यहां इन ट्वीट्स में देख सकते हैं वो पाकिस्तान का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से वो हर एक जो ट्रोल है उसका जवाब भी देते हैं, और उसमें भी वही ट्रोल हो जाता है जो उन्हें ट्रोल कर रहा होता है, और किसी को नहीं बख्शते, वो चाहे बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो या एक आम आदमी हो। ये माइकल वॉन की खासियत है। यहां पर आप देखिए दिनेश कार्तिक जो है वो वसीम जाफर को लेकर भी ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि देखिए ये तो मेरे लिए वर्क टाइम है जब मैं ये कर रहा होता हूं ट्रोल और जो मजे ले रहा होता हूं मैं। यहां पर माइकल वॉन मोहम्मद हफीज के पीछे पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मोहम्मद हफीज है उनको इतनी थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि टॉक सेंस टू अ फूल एंड दे विल कॉल यू फूलिश, तो यानी अगर आप किसी मूर्ख से समझदारी की बात करेंगे तो वो आपको ही बेवकूफ कहेंगे। एनीवे ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं, और जो हमने आपको दिखाई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मे बी दिस हैज समथिंग टू डू विद इट, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के बाहर होने की बातें हो रही है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की बातें हो रही है, जबकि अभी भी पाकिस्तान का एक मैच बाकी है। तो माइकल वॉन ने पूरा वो कैलकुलेशंस दिखा दिए कि भैया इस वजह से ये पूरी बातें हो रही है। यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मजाक पहले उड़ाया था कि जब पूरा चीफ सिलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, इंजमाम उलक ने, बाबर आजम के चैट्स लीक हो गए जो कि वो अलग से कर रहे थे जाका अशरफ और उनके लोगों के साथ, पीसीबी के साथ, तो वो चैट्स लीक हो जाते, तो वो वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो जाए। और मुद्दा क्या है कि इंजमाम उलक और इमाम उलक जो है वो रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि इंजमाम उलक को जब आपने अपॉइंट किया तब तो आपको पता ही नहीं था कि वो रिलेटेड है, तो इस पर हफीज कूद पड़े थे और उन्होंने डेविड वेली का एक फोटो लगाकर दिखाया था कि भाई ये जो है पहले आप अपने मुद्दे सुलझा लीजिए, अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे लीजिए ताकि वो रिटायर ना हो। तो इस पर भी माइकल वॉन ने तब से पीछे पड़े हुए जब से मिकी आर्थर ने ये कहा कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, हमारे फैंस को वीजा नहीं मिला, और ये बीसीसीआई का इवेंट है कि किसी और आईसीसी का इवेंट है। मोहम्मद हफीज वैसे भी भारत के लिए काफी कुछ कह चुके हैं, बीसीसीआई के बारे में काफी कुछ कह चुके हैं, पिचेस पे सवाल उठा चुके हैं कि पिचेस डॉक्टर की जा रही हैं इंडिया के फेवर में, टॉइन कॉस पर कहते हैं कि स्पाइडर कैम से टॉइन कॉइन को आप चेक कीजिए, तो ये कॉइन टॉस पर भी वो कह चुके हैं, और उसके अलावा भी काफी बात है, विराट कोहली को सेल्फिश प्लेयर बता चुके हैं, और इन सब पर माइकल वॉन ने उन्हें करारा जवाब दिया है। और पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इन दोनों की लड़ाई का लुत्फ उठा रहा है, लेकिन ये भी काफी नहीं है मेरे दोस्तों। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो है पूरा सिनारियो ये उठा था, जो शुरुआत जिसकी हुई वो हुई थी इरफान पठान के डांस से जब अफगानिस्तान जीता, और अफगानिस्तान कैसे जीता था ये तो आपको याद ही है, और पाकिस्तान को पीटने के बाद उन्होंने तो कह दिया था कि जी हमारा तो वर्ल्ड कप हो गया, हमने कर लिया। लेकिन जो इरफान पठान है वो वहीं नहीं रुके, जब जब अफगानिस्तान जीतता इरफान पठान नाचते और जो पूरा पाकिस्तान है वो सुलग उठता था, ये वो तस्वीरें हैं। और जब जब ये देखिए ये तीन बड़ी टीमों को उन्होंने हराया, पाकिस्तान को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, नेदरलैंड्स को हराया, जब जब वो जीतता इरफान पठान नाचते, और ये जो चीजें थी ये बड़ा तकलीफ देती थी जो पाकिस्तान है उसे। और इस तरीके से ये जो पूरी वॉन वर्सेस हफीज की भी लड़ाई थी, या फिर इरफान पठान की लड़ाई, लड़ाई नहीं, वो तो नाच ही रहे थे, अब अपने घर में कोई नाचे वो भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप दूसरे की बात कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग, माइकल वॉन,
दरअसल सोर लूजर्स कहीं ना कहीं नजर आते हैं पाकिस्तान जो है, और थोड़ा सा चिढ़ से जाते हैं। कोई कह रहा है कि हम अनब्लॉक, हम ब्लॉक कर रहे हैं, हम अनफॉलो कर रहे हैं इन खिलाड़ियों से, हम बदला लेंगे, जब अभी तो आप सेमीफाइनल में हारेंगे तब हम नाचेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, होना क्या है, होना यही है कि जैसे जो हकीकत है, अपनी चीजें आप अपने हाथ में रखेंगे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा तो है। जैसे एक मीम आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, तो एक दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ, अगर आप कराची का, कराची एयरपोर्ट का नाम अगर आप सेमीफाइनल रख दें तो हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल क्वालिफाई करेगा। तो ये जितने भी ये फन रिएक्शंस है, ये पूरे मीम्स है, ये फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर हावी हैं। और आप का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत से लोग बुरा भी मान जाते हैं जब वीरेंद्र सहवाग इस तरीके की बात लिखते हैं, पाकिस्तान जिंदा भाग। अरे भाई, वो जिंदाबाद को जिंदा भाग उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा वर्ड प्ले कर रहे थे उसको इतना लिटरल सेंस में कि अरे ये तो हमारे लिए इन्होंने थ्रेट दिया है, ये टेररिस्ट है, इस तरीके की बेवकूफी का जवाब इसी तरह से दिया जाता है। आप लोगों की लेकिन इस पे क्या राय है, वो हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया, नमस्कार।